फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9x+10। ठीक है, अब x की वैल्यू LHS में भी है और x की वैल्यू RHS में भी है। ठीक है, पहले LHS या RHS में से किसी भी एक तरफ से x की वैल्यू को आप कैंसिल आउट करोगे। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करने के लिए मैं लिखता हूँ 5 - 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9x+10 - 3x। अच्छा, 3x और 3x कैंसिल, 5 इज 9x में से 3x के 6x+10। अच्छा, अब यहाँ पे 10 है, 10 पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव 10 को कैंसिल आउट करने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट 10, 6x+10 - 10 कितना होगा, -5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6x। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे 6x है, 6 को हटाने के लिए x की वैल्यू को अलग करने के लिए 6 के साथ डिवाइड, कितना हो जाएगा 6x/6। अच्छा, कितना होगा, -5/6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, और इस तरह से भी लिख सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू -5/6। अच्छा, अब हम इसकी नंबर लाइन बनाएंगे -∞ to ∞। अब देखो -5/6 कहाँ पे रहेगा, ये वैल्यू -5/6 लेस देन इक्वल टू है, तो इस सर्कल को डार्क कर दो, डार्क का मतलब ये वाली वैल्यू भी हम इंक्लूड करेंगे, तो इससे पीछे पीछे वाली वैल्यू सारी, तो x किसको बिलोंग करेगा, -∞ to -5/6। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। 3x+4/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x+5/3। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। अच्छा, देखो इन दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ है सॉल्व फॉर x। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज के लिए, ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 3। ठीक है, अगर कभी आपको इस तरह के क्वेश्चंस हो फ्रैक्शंस के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, जो भी फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई है ना 2 और 3, इन दोनों का एलसीएम लेना। वैसे 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है, 6, तो आपने क्या करना, उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, कितना हो जाएगा, 3x+4/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 x x+5/3। ठीक है, ये क्यों मल्टीप्लाई किया, कि डिनोमिनेटर से वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए, इसको करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 x 3 x+4, बच्चे ये कटेगा 2 के साथ, 9x+9 = 36 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x+5 = 10। ठीक है, 9x - 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 - 36, बच्चे 9 में से 2x के 7x ग्रेटर देन इक्वल टू -26, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -26/7। मतलब मैं इसमें कुछ स्टेप्स शॉर्टकट कर रहा हूँ, आपने वैसे ही करना है, डिवाइड बाई 7, सब्ट्रैक्ट 2। ठीक है, इस तरह से मैंने सीधे कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, -∞ to ∞, यहाँ पे आएगा -26/7। अब देखिए बच्चे, 26/7 की वैल्यू भी इंक्लूड करनी है, इस सर्कल को डार्क करो, इससे ग्रेटर है, x की वैल्यू -27/6 से ग्रेटर है, ग्रेटर है तो वो इधर जाएगी, अगर लेस होगी तो वो इधर आएगी। ठीक है, कितना हो जाएगा, ग्रेटर है तो इधर, तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -26/7 to ∞। ठीक है, ये रहेगा आपका आंसर इसका। देखिए बच्चे, अगर कभी ना इस तरह से क्वेश्चन दिया हो, लिखो 24x इज लेस देन 100, सॉल्व फॉर x इफ फर्स्ट पार्ट x इज नेचुरल नंबर, सेकेंड पार्ट x इज एन इंटीजर। जब x नेचुरल नंबर है तब सॉल्व करो, जब x इंटीजर है तब सॉल्व करो, x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन, 24x इज लेस देन 100। अच्छा, x की वैल्यू कितनी होगी, लेस देन 100/24, x इज लेस देन, जिसको 4 के साथ करोगे तो कितना आएगा, 25/6। अब आपको पता है 25/6 कितना होता है, और x इज लेस देन, मैं लिख दू 4.1 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा। मैंने इसको डेसिमल में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि मैंने इसकी इंटीजर वैल्यू और नेचुरल नंबर देखना है। क्या लिखा हुआ, जब x इज नेचुरल नंबर, नेचुरल
नंबर। जब बच्चे एक्स की नेचुरल नंबर है तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू वो क्या क्या लाई होगी। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4। उन्होंने बोला कि एक्स की वैल्यू 4.1 से छोटी है। अगर वो 4.1 से छोटी है ना तो उसके अंडर जो नेचुरल नंबर आते हैं वो क्या आएंगे, 1, 2, 3, 4। अगर सेकेंड पार्ट बोला हुआ एक्स इज एन इंटीजर, अगर एक्स की वैल्यू क्या बोली हुई है, इंटीजर है, ठीक है बच्चे। अगर इंटीजर, आपको पता है इंटीजर में क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू और जीरो, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। 25/6 मतलब ये होगा 4.1 कहीं पे, 25/6। एक्स की वैल्यू 25/6 से क्या लेस है। अब देखो 25/6 से पहले पहले बच्चे कौन से इंटीजर आएंगे, आपको पता है ये जो वैल्यू है ये 4.1, इससे पहले पहले कौन सा इंटीजर होगा, एक होगा 4, ठीक है। मतलब मैं कौन सी वैल्यू लूंगा, 4 से लेके ये वाली वैल्यू सारी, ठीक है। तो इसके अंदर जो आंसर इंक्लूड होगा वो क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 4, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्लोज इंटरवल रखा, ठीक है, ओपन नहीं रखा, क्योंकि उन्होंने बोला कि एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। और यहाँ पे 4.1 है, 4.1 तो इंटीजर नहीं ना होता, 4 इंटीजर है, मुझे इंटीजर वैल्यू सारी लेनी है। वो कहाँ से होंगी, माइनस इन्फिनिटी टू 4 तक जितने भी इंटीजर है वो सारे के सारे इंक्लूड होंगे। अच्छा देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके वेरिएबल के साथ नेगेटिव है, ठीक है। इनइक्वालिटीज में कुछ रूल्स हैं कि अगर आपको वेरिएबल के साथ नेगेटिव दिखे, पहले बच्चे आपने वो टर्म क्या करनी है, पॉजिटिव बनानी है। अब वेरिएबल के साथ नेगेटिव है तो इसको मैं नेगेटिव कॉमन ले लूं, क्या बचेगा, एक्स माइनस फाइव इज ग्रेटर देन 9, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव है, अब इस नेगेटिव को हटाने के लिए क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई नेगेटिव वन बोथ साइड। अगर बच्चे हम नेगेटिव वन के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इस नेगेटिव वन के साथ मल्टीप्लाई किया इंटू नेगेटिव एक्स माइनस फाइव। अगर ये इनइक्वालिटी यहाँ पे ग्रेटर है तो ये चेंज होके लेस हो जाएगी, तो -1 × 9, ठीक है। अगर मैं इस पे यहाँ पे रूल लिख देता हूँ, ठीक है, इफ -1 मल्टीप्लाइड बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है, इनइक्वालिटीज के दोनों तरफ मल्टीप्लाइड होंगे तो जो ग्रेटर देन दिया होगा, ठीक है बच्चे, ये साइन चेंज हो जाएगा लेस देन में। अगर यहाँ पे लेस देन दिया होगा, मल्टीप्लाइड चेंज होके वो ग्रेटर देन बन जाएगा, ठीक है, वाइस वर्सा मैंने लिख दिया। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, मल्टीप्लाइड के साथ नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होके लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। अगर लेस देन इक्वल टू दिया होगा वो नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होके ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, ये कंडीशन याद रखना। यहाँ पे कितना होगा, एक्स माइनस फाइव इज लेस देन माइनस 9। बच्चे अब नेगेटिव फाइव को हटाना है तो क्या होगा, एड 5 बोथ साइड, एक्स माइनस 5 प्लस 5 माइनस 9 प्लस 5, एक्स इज लेस देन माइनस 4। एक्स की वैल्यू क्या, माइनस 4 से छोटी है, नेगेटिव इन्फिनिटी इन्फिनिटी, बच्चे ये है माइनस 4, माइनस 4 से छोटी है वैल्यू, माइनस 4 इंक्लूड नहीं है, तो एक्स की वैल्यू किस में बिलोंग करेगी, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 4, ये आपका आंसर।